बच्चों आज हम सीखेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या बोलता है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे बोल दिया है इफ इन टू ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल के अंदर, क्या दो ट्रायंगल के अंदर, तो चलिए यहां पे हम दो ट्रायंगल बना लिए। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं एफ। इफ इन टू ट्रायंगल corresponding angles are equal, तो इसका corresponding angles जो होगा equal बोल रहा है, ठीक है, इसका corresponding angle जो होगा वो क्या होगा, equal होगा। Then their corresponding sides are in the same ratio, जब इसका corresponding angle जो होगा equal होगा तो इसका corresponding side का ratio जो होगा क्या होगा, equal होगा। मतलब बोल ये रहा है कि अगर एंगल ए बराबर एंगल डी, उसी तरह से एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ, तब क्या होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये मतलब कि डी बटा ए बी बराबर डीसी डीएफ बटा, यहां पे जगह नहीं है, नीचे लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब एबी बटा डीई और बीसी बटा ईएफ, बीसी बटा ईएफ और कौन बचाएगा, एसी बटा डीएफ, एसी बटा डीएफ, क्लियर है। जब ऐसा होगा तो ये दोनों ट्रायंगल जो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा गिवन है, बोल दिया है कि एंगल ए बराबर एंगल डी करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी बराबर एंगल ए ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। जब ऐसा होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और जब ऐसा होगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है और ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं, चलिए इसको समझाने के, हमने क्वेश्चन समझा दिया, अब हम इसको करेंगे प्रूफ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए छोटा सा और एक बड़ा ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं एफ। अब हमको क्या करना है, यहां पे क्या दिया हुआ था, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी बटा डी ई और बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा क्या डी एफ, यही हमको प्रूफ करना है। यहां पे ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, मतलब ए सी बटा डी एफ, यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए बी पे एक हम पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट, और ए सी पे कोई पॉइंट लेते हैं क्यू, और ये P और Q को क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिए, चलिए। और हम P पॉइंट इस तरह लेंगे और ये Q पॉइंट इस तरह लेंगे, जो कि ये AP बराबर क्या हो जाए, AE। यहां पे कंस्ट्रक्शन हम इस तरह से करेंगे, कंस्ट्रक्शन यहां पे P पॉइंट ऑन द ए बी सच डैट एपी बराबर डीई, एपी बराबर डीई, हमको इस तरह से क्या करना है कंस्ट्रक्शन। चलिए ये बड़ा ट्रायंगल कंफ्यूजन मत होइए, इसको हम छोटा बना देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं डीई और एफ, चलिए अब हो गया। तो P पॉइंट हमको इस तरह से लेना है, ए बी पे P पॉइंट इस तरह से लेना है कि यहाँ पे ए बी जो हो वो डी के इक्वल हो। उसी तरह से
यहाँ पे ए क्यू जो है डी एफ के बराबर है। इन द सेम वे या सिमिलरली यहां पे क्यू पॉइंट ऑन द एसी सच डैट ए क्यू बराबर क्या डीएफ, ए क्यू बराबर डीएफ, ध्यान दीजिए ए क्यू बराबर डीएफ, क्लियर है यहां तक तो हो गया। चलिए तो यहां से हमको एक क्या निकला, यहां पे अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और यहां पे इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल देखिए यहां पे क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड डी ई एफ, अब क्या करेंगे हम, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे देखिए, यहां पे कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा, यहां पे बोल दिया है कि एपी बराबर क्या है डीई और ए क्यू बराबर क्या है डीएफ, तो यहां पे लिखेंगे एपी बराबर डीई और ए क्यू बराबर डीएफ, और इसमें यहां पे पहले क्या दे दिया है, देखिए ये जो है एंगल ए बराबर एंगल डी, यहां पे एंगल ए बराबर एंगल डी, तो जब जब क्रॉसपॉन्डिंग साइड, देखिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल एस ए एस से क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्लियर है। ये कंडीशन पता चला, यहां पे ट्रायंगल ए पी क्यू में और ट्रायंगल डीई एफ में, ए पी क्यू में और ट्रायंगल डीई एफ में क्या है, ए पी बराबर डी बाय कंस्ट्रक्शन, ए क्यू बराबर डी एफ बाय कंस्ट्रक्शन, और यहां पे पहले ही दे दिया है क्या कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर, तो जब ऐसा होगा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा एंगल डी, और एंगल पी बराबर क्या हो जाएगा एंगल ई, और एंगल क्यू बराबर क्या हो जाएगा एंगल एफ। उसी तरह से यहां पे ए पी बराबर क्या होगा, ए पी बराबर डी ये तो दिया हुआ है, और ए क्यू बराबर डी एफ, ए क्यू बराबर डी एफ, और यहां पे पी क्यू बराबर भी ई एफ, पी क्यू बराबर भी ई एफ, यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है यहां पे गौर करिए, देखिए एंगल बी जो है किसके इक्वल है, एंगल बी जो है यहां पे किसके इक्वल है, एंगल बी जो एंगल ई के इक्वल है, ठीक है। और यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो है एंगल पी जो है किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। उसी तरह से एंगल सी जो है किसके इक्वल है, एफ के, और यहां पे एंगल क्यू जो है किसके इक्वल है, एफ के। चलिए तो इस दोनों के मदद से देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे एंगल बी जो है यहां पे पहले से दे दिया है, और फिर देखिए वहां पे एंगल बी जो है किसके इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी जो है किसके इक्वल है एंगल एफ के, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है। और अभी हमने इसको क्या किया, प्रूफ किया, कैसे प्रूफ किया, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गया कॉन्ग्रुएंट तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल। अब इस चारों के मदद से एक जादू निकलेगा, उस जादू को दिखाएंगे, ठीक है। देखिए वो जादू क्या है,
अब हम क्या करेंगे, देखिए एक जादू दिखाते हैं। यहाँ पे एंगल पी बराबर एंगल ई है और यहाँ पे एंगल बी बराबर एंगल ई है। तो देखिए अगर हम इसको, अगर इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड, अगर इसको मान लेते हैं हम थर्ड और इसको मान लेते हैं हम फोर्थ, ठीक है। तो एंगल ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के मदद से जब यहाँ पे एंगल पी बराबर एंगल ई और एंगल बी बराबर एंगल ई, तो एंगल पी बराबर एंगल बी हो जाएगा। किसे यहाँ पे लिख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। उसी तरह से यहां पे देखिए एंगल क्यू जो है एंगल एफ के बराबर है और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। तो उसी तरह से थर्ड और फोर्थ से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा यहां पे, एंड फोर्थ क्या होगा, एंगल क्यू जो होगा एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू जो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। अब इस बात को गौर करिए, देखिए यहां पे एंगल पी, एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर, अभी हमने जस्ट प्रूफ किया, और एंगल क्यू जो है एंगल सी के बराबर, एंगल क्यू जो है एंगल सी के बराबर। और ऐसा कब होता है बताइए, ऐसा कब होता है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसका जरूरत नहीं है। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया है, ठीक है, एक बार हम रिकॉर्ड करवा देते हैं, ठीक है। यहां तक देखिए हम क्या किए, क्वेश्चन में बोल रहा है ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक डी ई एफ, दो ट्रायंगल है और क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वल। तो जब इस दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा इक्वल होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और जब ऐसा होगा तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, ठीक है। तो हम क्या किए, एक बड़ा सा ट्रायंगल लिए और एक छोटा सा ट्रायंगल लिए। अब क्या किए, यहां पे एबी को हम पी पॉइंट पे कट किए, इस तरह कट किए कि यहां पे एपी बराबर क्या हो गया डीई। उसी तरह से हम एसी को क्या किए, कट किए कहां पे, क्यू पे। तो यहां पे एक्यू बराबर क्या हो गया डीएफ, क्लियर है। चलिए तो यहां पे हमने लिखा पी पॉइंट ऑन द एबी सच दैट एपी बराबर डीई। उसी तरह से सिमिलरली Q पॉइंट ऑन द एसी सच डेट AQ बराबर DF, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे देखिए, अब हम क्या किए, इस दोनों ट्रायंगल को हम congruent प्रूफ किए। तो congruent आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब corresponding साइड आपस में इक्वल हो और एक एंगल मतलब इसके corresponding ये है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, कैसे, शुरू में ही बताया गया है। तो एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, मतलब एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल। तो उसी तरह से एंगल ए बराबर एंगल डी, उसी तरह से एंगल पी बराबर एंगल ई और एंगल क्यू बराबर एंगल एफ, और करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि एपी बराबर DE, AP बराबर DE, PQ बराबर EF और AQ बराबर DF। तो यहां पे हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे P बराबर एंगल E है, एंगल Q बराबर एंगल F है और एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के मदद से हम क्या निकाल दिए, एंगल B बराबर एंगल P, तो एंगल B बराबर एंगल P। और इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से एंगल क्यू बराबर एंगल सी, तो एंगल क्यू बराबर एंगल सी। तो यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे और इसके आगे प्रूफ करेंगे कि जब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है तब क्या होगा। तो इसको हटाते हैं,
देखिए उससे पहले आप लोग एक बात समझिए, जब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक दो लाइन है, क्या है ये दो लाइन है, और इस दोनों लाइन को क्या किया हम इस तरह से एक कट कर दिए, और जहां पे ये जो एंगल है ना इसके बराबर है, मान लेते हैं कि एंगल, ये एंगल वन है और ये एंगल टू है, तो एंगल वन बराबर एंगल टू होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे एंगल वन बराबर एंगल टू है तो यहाँ पे 100% आप लोग पढ़े हैं ट्रांसवर्सल, क्या पढ़े हैं ट्रांसवर्सल, जब ये एंगल इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये क्या है ये यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए इससे आगे हम एक बात समझेंगे, वो बात क्या है कि मान लेते हैं कि ये दो लाइन है और ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल ए, एंगल ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और ये एक ट्रांसवर्सल है, क्या है एक ट्रांसवर्सल। तो देखिए आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं क्या पढ़े हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, और उसी तरह से ये एंगल किसके बराबर होगा इसके बराबर, और ये एंगल किसके बराबर होगा इसके बराबर, कब जब यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बोल दिया है कि ये जो एंगल है इसके बराबर है और ये जो एंगल है इसके बराबर है, तो देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, देखिए इसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर है, देखिए इसको आगे बढ़ा दिए तो ये एंगल इसके बराबर है, उसी तरह से अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो यानी कि ये जो लाइन है क्या पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू जो है किसके पैरेलल है बीसी के पैरेलल है, किसके पैरेलल है पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हमने क्या पाया कि यहाँ पे बी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो जब ऐसा होता है तब यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा जादू मंत्र, जब यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू बीसी, क्या पी क्यू पैरेलल टू बीसी, तो अब हम यहां पे लगाएंगे थेल्स थ्योरम, क्या लगाएंगे थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब बीसी के पैरेलल पीक्यू हो जाएगा तो ये जो कट करेगा ये लाइन क्या हो जाएगा इसका रेशियो इक्वल होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे ए बी बटा ए पी बराबर ए सी बटा ए क्यू, ए सी बटा ए क्यू, कब जब यहां पे बीसी पैरेलल टू पी क्यू होगा तब, बाय थेल्स थ्योरम, किसके द्वारा बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम के द्वारा, थेल्स थ्योरम के द्वारा क्या हो जाएगा इसका कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो, मतलब ये जो रेशियो है इसका क्या होगा इसका इक्वल होगा, और जब ऐसा होगा अब यहां पे ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ आगे पढ़े थे, क्या पढ़े थे देखिए यहाँ पे ए बी बराबर क्या है ए बी बराबर ए पी बटा ए बी ए पी और ए सी बटा ए क्यू, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे ए पी बराबर क्या है डी ई, तो हम यहाँ पे ए पी तो ऊपर है ही और ए पी की जगह हम क्या लिख दें ए पी की जगह क्या लिख दें डी ई लिख दें, बराबर ए सी तो ऊपर है ही और ए क्यू की जगह क्या लिखे डी एफ लिख दे, चलिए तो देखिए यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो गए ए बी बटा डी, ए बी बटा डी और ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ, और जब दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, देखिए इसके ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है डी और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है डी एफ, और इस दोनों का रेशियो क्या है इक्वल,
तो बाय डिफॉल्ट यहां पे बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ईएफ, और इसका भी रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। और यही हमको करना था प्रूफ, और यही हो गया हमारा प्रूफ। और यहां क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब ऐसा होगा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो चलिए हमने क्या किया, यहां पे ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, हमने इसको कर दिया प्रूफ। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको अगर नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेंदी भी है, लेकिन हमने हर एक स्टेप को समझाने का ट्राई किया है। तो आप लोग इसको दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो, लेकिन समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप इसको दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।